नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव अभी कल पहाड़ की वंदना के लिए गए तो वहाँ श्री पार्श्वनाथ जी की, भगवान जी की टोंक पर गए तो दो जगह चरण चिन्ह बने हुए। नीचे जब दर्शन किए तो उन्होंने कहा यही शिला है और यहाँ से ही भगवान मोक्ष गए हैं। ऊपर दर्शन करने के लिए गए तो वो अलग प्रामाणिकता दे रहे थे कि यहाँ से गए हैं। तो गुरुदेव यह शंका का समाधान कीजिए कि भगवान कहाँ से मोक्ष गए। बहुत बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया, यद्यपि इस विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। देखिए, स्वर्णभद्र कूट तो ऊपर ही है जहाँ ऊपर हमारे चरण बने। नीचे जहाँ चरण बना है वो बहुत बाद में, 1970 तक तो वहाँ दरबान सोते थे, वो लोग चाय बनाते थे। बाद में वहाँ कोई प्राचीन चरण ला करके स्थापित किए गए हैं। और एक जो मौलिक अंतर है दोनों की प्रशस्तियों में 100 वर्षों का, और ऊपर चरण चिन्ह है जो दिगंबर परंपरा में हम लोग पूछते हैं और सब मूल चरण चरण चिन्ह रूप ही है। नीचे में नाखून बने वो चरण है, वो दिगंबर परंपरा के अनुरूप नहीं है। तो भगवान पार्श्वनाथ की मूल निर्वाण स्थली के रूप में जो उनके चरण है वो ऊपर है, नीचे गुफा नहीं है, वो गुफा का सेफ दे दिया गया है। और मैंने दोनों जगह अनेक रात्रियां बिताई है, साधना की है, ऊपर भी और नीचे भी। पिछले प्रवासों में मैं अक्सर रात्रि में वहाँ ध्यान किया हूँ, साधना की। ऊपर की जो ऊर्जा है वो नीचे से अनंत गुणी, इसलिए किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। हम दोनों जगह वंदना करें कोई बुराई नहीं, आप तो अपने घर में भी भगवान पार्श्वनाथ के चरण अपने मंदिरों में रख सकते हैं, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण स्थल का जहाँ तक सवाल है, स्वर्णभद्र कूट के मूल स्वरूप का जहाँ तक सवाल है, तो वह ऊपर ही है, ऐसा समझ। नमोस्तु गुरुदेव।